स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राशिद सर्विस सेंटर में। और आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो पिछली वीडियो से जो मैंने बनाई थी, जो यहाँ आप देख सकते हो, ये धागा जो हमारा फंसता था, तो मैंने बताया था आप इसको छींके को कैरियल को आप घुमा दो इस साइड की तरह, राउंड इसके बढ़ा दो तो ये आपकी चाल सही हो जाएगी, धागा नहीं फंसेगा। जो फ्रेंड्स आपको पिछली वीडियो जो मैंने बना के दी थी उसमें था कि आपका जो यहाँ धागा जो फंसता है, मैंने बताया था आपको, तो उसको क्या होता है कि एक तो आपकी लट्टू की अगर चाल कम है, यहाँ हमारे लट्टू की अगर चाल कम है इस लट्टू के अंदर की, तब ज़्यादा है सॉरी ज़्यादा है चाल तब धागा फंसेगा। और दूसरा ये जो आप इसको कैरियल को घुमा देंगे इधर को, चाल इसका राउंड इधर को बढ़ा देंगे सटेल का आगे की साइड को, मेरी उंगली के सहारे से आप देख सकते हो मैं किधर को हटा रहा हूँ, ये इस तरीके से आप इधर को हटाएंगे तो धागा नहीं फंसेगा। तो कुछ दोस्तों ने हमारे कुछ भाइयों ने कमेंट की थी कि कुछ मशीनों में क्या होता है, यहाँ पर पिन होती है, यहाँ हमारे 2057 में जो पिन जो होती है आप देख सकते हो, ये पिन होती है हमारे यहाँ 2057 में, तो हमें उसका क्या करना है, जो यहाँ पिन होती है पिन निकाल देते हैं हम, तो छींका को जब घुमाएंगे कैरियल को जब घुमाएंगे पिन निकाल के तो घूम जाएगा, जब हम वापस पिन जो लगाते हैं यहाँ पर तो कैरियल जो हमारा वापस उसी जगह आ जाता है जिस जगह वो पहले से होता है। तो उसको हमें घुमाने के लिए दोस्तों हमें उसके लिए क्या करना है यहाँ पर कि हमारी जब हम इसको कैरियल को घुमा देंगे, घुमाने के बाद हम फिर जब इसको घुमाएंगे तो यहाँ अपनी सेटिंग देखेंगे कि हमें इस कैरियल को रखना किस साइड में है, कहाँ रखना है, जितना हमें घुमाना है उतना हम घुमा लेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है इसको घुमाने की, घुमाने के बाद इसको फिर पिन जो है आपकी, अगर आपकी पिन ज़्यादा ख़राब ज़्यादा आउट हो रही है तो आपको सिर्फ करना ये है कि देखिए अपनी ड्रिल मशीन लें और यहाँ दूसरा एक सुराग अपना तोड़ दें, जैसे कि देखिए मैंने पहले से ही ऑलरेडी इसमें सुराग तोड़ रखा है, ये कर रखा है सुराग कर रखा है इसमें। अब इसको सुराग करने के बाद आपको क्या करना है, क्या लगाना है इसमें, आप जो मैंने सुराग जो किया है जो पटली में छेद करते हैं हम लोग, बन सुराग की पटली जो होती है, निडल प्लेट जो होती है बन सुराग की, उस बर्मे से मैंने इसमें छेद किया है और ये मेरे हाथ में साइकिल जो है बाई साइकिल साइकिल जो होती है उसकी तान है, उस तान को आपको यहाँ इस तरीके से आपको पिन बना करके लगा देना है, लगभग हाफ सुराख करना है आपको। और पिन कितनी काटनी है ये भी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसे कि आपकी जितनी अंदर पिन जा रही है तो उससे थोड़ा आधा या एक सूत फालतू इस तरीके से आप देखिए ये इस तरीके से यहाँ फंसाएं और काट लें, तो देखिए ये पिन जो है कट चुकी है, इसी तरीके से काटें आप देखिए ये, और काटने के बाद आपको इसमें पिन जो है यहाँ लगा दें, पिन थोड़ी लूज रहेगी आपकी तो इसको चपटा कर करके इसको थोड़ा पीट करके हथौड़ी से और दबा दें जिससे कि आपकी पिन इसमें बैठ जाए। अब ये फ़िलहाल तो पिन छोटी है, आप जो भी कोई भी बड़ी पिन लगाएंगे या कोई सी लगाएंगे तो लगभग इतनी बड़ी पिन लगाएं ताकि इसमें थोड़ी बाहर रहे। तो दोस्तों ये तो कुछ ज़्यादा ही अंदर बैठेगी, पिन मैंने छोटी काटी थी, लगभग इतनी बड़ी काटे पिन जैसे देख सकते हो, एक सूत फालतू काटें आप ताकि अगर कभी भी आपको निकालने की ज़रूरत पड़े तो प्लास से पकड़ के आप इसको बाहर निकाल लें, इसको बाहर निकाल सकें फिर हमें अपनी सेटिंग बना सकें। और दोस्तों जैसे कि मान लीजिए अब ये पिन जो है हमारी बिल्कुल लेवल हो चुकी है, अब हमें इसे निकालना है, तो आप ये तान जो है कोई खास मोटी मतलब कोई खास मजबूत नहीं होती है, बस ये है कि आपकी ये चीज़ रुकी रहेगी, तो आप इसको जब 2057 को निकालेंगे, जब निकालने थोड़ी प्ले आ जाए तो फिर इसको प्ले इस तरीके से ख़त्म कर दें फिर इसमें, तो पिन आपकी कट जाएगी, दोबारा आपके 2057 पर या धुरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पिन डायरेक्ट कट जाएगी और आपका धुरा और बेहतरीन बढ़िया तरीके से बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जिन जिन दोस्तों ने मेरे पास कमेंट की थी कि इस तरीके से पिन को हम क्या करें क्या करना है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि उन सब दोस्तों को सवाल का जवाब मिल गया होगा, फिलहाल मुझे उन सारे दोस्तों के नाम तो याद नहीं रहे, और जिन जिन दोस्तों ने कमेंट की थी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल राशिद सर्विस सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो लास्ट में सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि जिन जिन भाइयों को सभी को पता है ज़्यादातर कि वीडियो इतनी लेट क्यों आई है क्या वजह है, तो फ़िलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वीडियो को काफ़ी शेयर करना है आपको, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।